पूछा जाए कि सिद्धार्थ शुक्ला, जी हाँ बिग बॉस वाले हमारे सिद्धार्थ शुक्ला का फैन नंबर वन कौन है, हैंड्स डाउन हर कोई कहेगा यू मीन शहनाज गिल, ना शहनाज गिल के अलावा कौन है, बस यही जानने की कोशिश करेंगे आज हम अपने फैन नंबर वन पर। और न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सिडनाज की जगह अब हैशटैग सिड पैल जो है वो फेमस होने वाला है, देख लीजिए, बिकॉज दिस इज एन SBS ओरिजिनल्स। हेलो नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं फैन नंबर वन, और इस बार हमारे साथ हैं टेलीविजन के शेर और बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ से मिलने के लिए कई सारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हमने पूरी मेहनत से उनके दो सच्चे और पक्के फैंस को ढूंढा है और आज दोनों हमारे साथ हैं, तो चलिए दोनों से मिलते। शाह, मैं कॉमर्स पढ़ रही हूँ मिट्टीबाई कॉलेज से, एंड मैं सिद्धार्थ शुक्ला की बहुत बड़ी फैन हूँ। आई जस्ट लव द वे ही प्लेज बिग बॉस एंड आई कांट वेट टू मीट हिम। हाय, माय नेम इज नॉर्मा, आई एम स्टडिंग साइंस। जैसे उन्होंने तैयारी की थी पूरे शो के लिए, इट वॉज माइंड ब्लोइंग। मैं उनको मिलने के लिए बहुत, आई कांट वेट टू मीट हिम, आई एम सो हैप्पी वी हैड अ चांस टू मीट हिम। तो चलिए अब आपको टास्क बताते हैं। आपने कभी बाइक चलाई है? या आपको बाइक नहीं चलानी है, बल्कि आपको बाइक को स्टैंड पे खड़ा करना है। यस, ये हुआ आपका पहला टास्क। स्टैंड पे खड़े करने के बाद आपको एक वड़ा पाव दिया जाएगा। उस वड़ा पाव को आपको लोगों के पास लेकर जाना है और उसे बेट करना है, यानी कि इस वड़ा पाव की नीलामी करनी है। 10 रुपए का वड़ा पाव है, लेकिन आपको उसे कम से कम 1000 रुपए में नीलाम करना है। अगर लोग ना खरीदें तो धीरे 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 आप प्राइस डाउन कर सकते हैं, और ये दोनों टास्क करने के लिए आपके पास होंगे सिर्फ 15 मिनट, और जो भी इस टास्क को, यानी इन दोनों टास्क को 15 मिनटों के अंदर ख़त्म करेगा वो होगा आज का हमारा विनर और मिलने जाएगा हमारे साथ सिद्धार्थ शुक्ला से। तो चले देखें किसमें कितना है दम, बिकॉज दिस इज फैन नंबर वन। चल चल पलक, दम लगा, पूरा दम लगा। यहाँ लेगा नो ब्रो। पलक, क्या हो रहा है, परेशानी क्या आ रही है? नहीं हो रहा, आई एम नॉट यूज्ड टू दिस। बैठ के तो नहीं, चांस ही नहीं है बैठ के तो। आ रहा है ऊपर, आ रहा है, दम लगा एक बार में लगा पूरा। यस यस,
पे खड़ी हूँ। वन टू आई डिड इट। बहुत डिफिकल्ट है, यू गाइस शुड ट्राई इट आउट। मतलब मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। इफ यू बाय दिस वड़ा पाव, इट्स माय टास्क, सो आई नीड टू सेल दिस वड़ा पाव, बट इट्स नॉट, इट्स फॉर 100 रुपीज। दैट्स माय टास्क। आई एम हियर टू सेल वड़ा पाव, आर यू विलिंग टू बाय इट? यू डोंट वांट इट? यू डोंट वांट मी एनी कुछ नहीं कर सकती हूँ आपके लिए। ठीक है, थैंक यू। हाय गाइस, मेरा नाम पलक है, मैं एक टास्क पे हूँ फिलहाल। आप मुझे डांस करने बोले, आप मुझे सिंग करने बोले, आई डू इट, प्लीज बाय दिस वड़ा पाव फॉर मी, आई डू व्हाटएवर। आप मुझे डांस करने बोले, आप मुझे सिंग करने बोले, आई डू व्हाटएवर, आई एम अ वेरी बैड सिंगर बट आई एम रेडी टू डू इट। इट्स जस्ट द वड़ा पाव, प्लीज। ओके, आई हैव टू बाय योर वड़ा पाव? या And I have to bid for it, like how much of a prize you can give, the highest prize. Show my talent, I'm not just telling it. You're not a good salesperson. बहुत अच्छी क्वालिटी का है, आई एम अश्योरिंग दैट। आई हैड, मैंने खुद अभी एक खाया है, सो इट्स वेरी गुड क्वालिटी, आई कैन अश्योर दैट। फॉर अ फर्स्ट 10 रुपीस यू हैव टू डांस। डांस, ओके फाइन। ओनली वांट मी टू हिप हॉप? या। Hi Mr. My name is Pala. How are you? Oh my god. I'm so sorry. Don't do this. See, one word about diet, kuch lena dena nahi hota hai. I just had my like How much are you willing to pay? 600? 600 के लिए तो I will buy a month वड़ा पाव। Okay, okay. But एक वड़ा पाव से ज़्यादा पेट भरता भी नहीं है। This guy's appetite is very big. Will you buy it? I'm ready to whatever you ask me to. हेलो अंकल, मेरे को टास्क मिला है वड़ा पाव सेल करने के लिए, आप खरीदना चाहोगे? के लिए डांस करना है तो डांस कर लूँगी, सिंग करना है तो सिंग कर लूँगी। नहीं अंकल, द हाईएस्ट रेट, लाइक सबसे हाईएस्ट रेट में से आप खरीदना है, आई एम रेडी। आई इट विल टेक ओनली 2 मिनट, 2 ही मिनट लगेगा। आई हैव ट्राइड अ लॉट, प्लीज बाय इट, इट्स ओके। हाउ मच एवर यू वांट टू गिव? सिद्धार्थ शुक्ला से मिलने के लिए दोनों फैंस ने अपना 100% दिया, लेकिन अंत में जीता कौन और कौन बना उनका फैन नंबर वन, ये जानने के लिए आपको देखना होगा सास बहू और साजिश। खूब मेहनत मशक्कत तो कर ली हमारे कंटेस्टेंट्स ने, अब बारी है इनाम पाने की, यानी कि सिद्धार्थ से उनके फैन नंबर वन की मुलाकात कराने की। याद रहे, दिस इज NSBS ओरिजिनल्स।
तो आपने देखा कि सिद्धार्थ का फैन नंबर वन बनने के लिए दोनों फैंस ने जी जान लड़ा दी। तो चलिए आज देखते हैं कि कौन बना फाइनली फैन नंबर वन और कौन मिलने जाएगा सिद्धार्थ शुक्ला से। कितना पे करने को आप रेडी हो? I'm ready to dance, sing for it. 100? Like, can you pay like at least 200 for it? Will you buy it? I'm ready to do whatever you ask me. At least 200 for it? 200. अच्छा ठीक है, 190, 150 then at least. Thank you so much. Shukriya. Thank you. I earned 50 bucks selling a vada pav Mumbai ke streets pe. I want to see your muscles. I mean, I want to feel them. Tighten it. Mujhe feel karna hai. Damn, it's hard. Congratulations. Thank you so much. Kya kya karaya hai logon ne aapse? Kya nahi karaya? Bata, please bata kya kya nahi karaya. I had to put a bike on double stand. Then I, mujhe vada pav bechna tha. In the highest bidding I can. So I started from 1000, but 50 se beka. Usse zyada koi nahi diya. I struggled 15 minutes to do that. Superb. Aapko lage to nahi? Ye kahin aapki jeet hui? Usko to nahi pati. Bach gayi. I mean, I wonder. Honestly, I'm a very huge fan. I've seen that. I haven't missed a single episode of Big Boss. I mean, mujhe pucha tha, how was the experience in the Big Boss house? यार इट वाज क्रेजी है द एक्सपीरियंस। तो आप अच्छे से जानती ज़्यादा क्योंकि आपने सब देखा है कैसा था, क्या था, क्यों था। लेकिन हाँ, बहुत ही अलग था मेरे लिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में यूजली मैं पढ़ता नहीं हूँ, और अगर ऐसी सिचुएशन में पढ़ता हूँ तो आई कैन वॉक अवे फ्रॉम इट। पर वहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, चांस नहीं होता, बिकॉज़ यू आर सिंगल हाउस, और ना चाह कर भी आप उन लोगों को मिलोगे, एंड आपको मिलना पड़ता है, और उन लोगों के साथ इंटरेक्शन आपके होने ही होने हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अलग था और डिफरेंट था मेरा एक्सपीरियंस, लेकिन वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस था। लेकिन एंड में ट्रॉफी मिल गई, दैट्स द बेस्ट थिंग। तो आप सिंगल हो अभी कि सिडनास इज स्टिल वर्किंग? नहीं नहीं, सिंगल हूं अभी भी। सिडनास इज स्टिल वर्किंग मतलब आई एम फ्रेंड्स विद सिडनास, यस ऑफ कोर्स वर्किंग, बट नो इन द अदर मैनर। नो नो, देयर इज नो अदर मैनर, दिस इज द मैनर इट्स वर्किंग इन। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सिड पैल? सिड पैल सिड पैल इज कूल। ओके, so Sidnaz is actually Sid Pal. Yeah, it's Sid Pal. Right, you get Pal it. Pal is a literal sense. Yeah, Pal is a literal sense. Yeah. So, मुझे जानना था, how are your relations with Asim after the house? Like, यार घर से निकलने के बाद मेरा इसके साथ कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं है, बट आई एम श्योर अगर हम लोग वी क्रॉस पाथ्स इट्स गोना बी नाइस। हेलो, यू गाइस आर लाइक ब्रदर्स, भाई भाई जैसे थे ऑन द इनिशियल पार्ट, एंड देन ऐसा हुआ कि जो भी झगड़े हुए थे इट वाज लाइक इट काइंड ऑफ ब्रोक। सो आर यू होल्ड ग्रजेस टुवर्ड्स हिम और इज इट टोटली कूल? वी स्पोक अस आउट एंड वी यू नो ही केम अप टू मी एंड ही टोल्ड मी थिंग्स, बट ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल गुड, जितनी भी बाहर है इज क्रेजी अबाउट योर फिटनेस, लाइक यार अभी देखते हैं जो आ रहे हैं उनको मैं
देख रहा हूँ क्या है, कौन सा किस में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज लग रही हैं करने की और क्या नहीं करने की, तो वो ही वैसे ही देख रहा हूँ, जो सॉर्टिंग थिंग्स आउट। ऑफ कोर्स दो तीन चीज़ें कर चुका हूँ अभी बीच में, तो अब देखते हैं और क्या कैसी हैं चीज़ें। फैंस चाह रहे थे कि सलमान की नेक्स्ट मूवी, हाँ शुड बी यू वर्सेस सलमान, तो सलमान सर उनको जाना चाहिए ना, फैंस चाहते हैं मुझे देख एंड स्वीट, और मैं भी चाहूँगा बट सलमान सर को भी जाना चाहिए ना। सो आप एक टोटली सेल्फ मेड मैन हो, लाइक आई एम ऑल्सो फॉलोइंग योर स्टेप्स। यू नो व्हाट, हार्डशिप सबकी लाइफ में आते हैं और इट रियली डिपेंड्स कि आप उन्हें कैसे लेते हो। लाइक माई मॉम टोल्ड मी दैट यू नो देयर आर टाइम्स, सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, अप डाउन होते हैं, लेकिन बेस्ट होता है कि आप अपना कभी ये ना सोचें कि दैट यू आर नॉट गुड इनफ, अपने आप को बीटल ना करें। और कभी चीज़ें, कुछ चीज़ें होने में टाइम लगता है, कुछ चीज़ें एकदम से हो जाती हैं। तो ऐसा ही है, जस्ट कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, और जो काम आप करें उस काम को आप बेस्ट करें, तो उससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में। अगर आपकी चीज़ें, क्योंकि देखिए ये इंडस्ट्री ऐसी नहीं है ना कि आप रोज़ ऑफिस में बैठ रहे, रोज़ काम आ रहा है, रोज़ कर रहे हैं आप, यहाँ पे आपको कभी काम आया नहीं आया, आपको नहीं पता एक ही आपके पास वो चीज़ें आ रही है नहीं आ रही है। तो बेस्ट पार्ट होता है कि जब आप कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसे बेस्ट करिए, उसके बाद जो अगर आपका टाइम नहीं है तो कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड पुट योर फुट कोई उसे बहुत सारा स्ट्रगल लेता है, कोई उसको आसान ले लेता है। अगर आप आसान ले लोगे तो आपके लिए आसान होगा, नहीं लोगे तो आपकी वो टेंशन अपने अंदर डालते रहोगे और उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस टेंशन लेकर आपको काम मिलेगा, ऐसा होगा नहीं। Not pressurizing ourselves. Yeah, do not pressurize. So what's the one message जो आप पूरे youth को फिलहाल देना चाहोगे, like what to do if people who are जिनको इंडस्ट्री में आना है, कुछ बनना है and everything, so what's your message? There are no shortcuts to success and you know you need to put your best foot forward. और क्या होता है कि बहुत लोगों ना आके एकदम से समझो fame मिल जाता है या काम मिल जाता है और वो थोड़े arrogant हो जाते हैं, तो arrogance ना रखिए। अगर आप बहुत अच्छे से अपना काम करें और ये समझें कि ये काम के वजह से चीज़ें आ रही हैं और आप उन चीज़ों के पास ना भागें, उन चीज़ों के लिए ना भागें, हालांकि काम के पीछे भागें, क्योंकि जब आप अच्छा काम करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें तो आएंगी ही। टुडे वी आर वॉट एवर वी आर इवन देयर पीपल, इट्स जस्ट थैंक्स टू देम दैट वी आर एंड व्हाट आर वी डूइंग, वी आर जस्ट एंटरटेनिंग, वी आर नॉट रियली taking a bullet on the border, at the border, right? So we're not doing something that great for people to fall in love with us now, but they do, which is fantastic. Respect that and never belittle them. I got a gift for you, I got a watch, but jaldi itna excitement mein I forgot it at my place and I stay far off, so matlab aisa bhi nahi ki main wapas ja ke dekh raha hu. Nahi koi nahi, but you thought fit. Yeah, so matlab I was feeling very bad, main unko aap mujhe bahut bura laga, but you don't need to really spend money. No, but this is a token because, of love. No, a token of love. No, it is all the love that other person has given, who's bought that 50 rupee vada pav. Right, true. This Sid Pal thing, I said, I mean, he agreed it is working. Yeah. I love you. I mean, whatever your journey has been, matlab main bahut closely aapko follow karti hoon, because you're one of the person who's totally self-made, and aap kaafi aage ja chuke ho, and काफ़ी रिकग्नाइज भी हो एंड यू एस्टैब्लिश योर सेल्फ एंड अदर थिंग आई लव अबाउट यू, सो इट्स लाइक इट्स अ वेरी बिग हैट्स ऑफ टू यू फ्रॉम ऑल द यूथ, ऑल द इंडियंस दैट यू कम अप सो फार एंड यू हैड योर स्ट्रगल्स, योर हार्डशिप्स एंड एवरी थिंग, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, यू डिजर्व द लव, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट यू हैव डन। थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली मिल गया है, मैं बहुत खुश हूं। मुंबई से कैमरामैन सादिक शहजादा और आतिश कामले के साथ राज दीक्षित की रिपोर्ट। देखिए, महिला दिवस आ रहा है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और ऐसे में हर कोई महिलाओं को सेलिब्रेट करेगा, यू नो दे विल सेलिब्रेट द वुमन ऑफ टुडे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप एक दिन में और एक बार में महिलाओं को कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि महिलाओं के जितने रूप और जितने पहलू हैं, हर एक को सेलिब्रेट करने के लिए तो भैया 365 दिन भी कम पड़ जाएंगे। और नारी एक रूप अनेक का ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हमारे सरबजीत को भी समझ आ रहा है, लग तो कुछ ऐसा ही रहा, क्योंकि हर जगह उन्हें मेहर जो नज़र आ रही है। Thank you.
नारी एक उसके रूप अनेक। नारी वैसे भी बहुत सारी भूमिकाएं निभाती हैं, ये सब जानते हैं, मगर आज दिखेगा भी। और नारी के ये अलग अलग रूप दिखा रही हैं छोटी सरदारनी यानी कि मेहर। देख लीजिए मेहर का पहला रूप जो है शेफ का, जो बेसन में प्याज मिला के कैसे उसके पकौड़े बनाए जा सकते हैं यही सिखा रही है। दूसरा है न्यूज एंकर का, जो दिल के मौसम का हाल बता रही हैं। प्यार करने वाले दिलों को हर जगह बादल दिखाई देंगे, खून का तापमान अधिक रहेगा और दिल धड़केंगे राजधानी एक्सप्रेस की तरह चिटिक 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 चिटिक। तीसरा है श्रीदेवी जैसी टीवी सीरियल की बहू का, जो राधा बनकर अपने किशन से वादा मांग रही है। वादा करो किशन कि तुम अपनी राधा को छोड़ के कभी नहीं जाओगे। तो चौथा है चमगादड़ छाप तेल बेचने वाली सेल्स गर्ल का, जो सारी चिंता थकान दूर कर सकता है। थकान कमजोरी या निद्रा सबको कर दे फेल, जब खोपड़ी पे लगे चमगादड़ छाप तेल। और पांचवा रूप है सन्यासिनी का, जो अपने भक्तों को दिव्य ज्ञान दे सकती हैं। इन ढाई अक्षरों में पूरा ब्रह्मांड समाया। दरअसल ये सारे रूप मेहर ने धरे हैं अपने सरबजीत के लिए। सरबजीत को अब हर जगह मेहर जो नजर आ रही है, वो जब टीवी देखता है तो टीवी की हर महिला में भी उसे मेहर ही दिखती है। इसीलिए तो मेहर को इतने गेटअप बदलने पड़े। भले सपना सरबजीत का है, मगर उसे साकार तो मेहर को ही करना पड़ेगा ना। औरत जितनी स्ट्रांग है उतना और कोई है नहीं इस संसार में। एंड जितनी ज़्यादा पेशेंस, जितना ज़्यादा EQ, जितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस है उनमें और किसी में नहीं है। एंड डेफिनेटली इट इज़ नोन कि लड़कियां ही मल्टीटास्क करती हैं। दैट इज़ वाई शायद आज हमारे देश की लड़कियां और पूरे यू नो ऑल अक्रॉस द ग्लोब लड़कियां अपना नाम रोशन कर रही हैं और कहां कहां पहुंच रही हैं। जैसे एक महिला के लिए कई प्रकार की भूमिकाएं निभाना बहुत आसान होता है, ठीक वैसे ही मेहर ने भले थोड़ी मुश्किलों का सामना किया, मगर सारी भूमिकाएं आसानी से निभा ली। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। देखिए यूं तो टीवी की शादियां बड़ी मजेदार होती है, आए दिन कुछ ना कुछ नया कमाल होता रहता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जरा सोचिए किसी मंडप पर दूल्हे को चप्पल से पिटते हुए देखा है? वेल ये नजारा भी देख लीजिए सीरियल गुड्डन में, जहां पर ये जो नकली दूल्हे थे गुड्डन के, वाह क्या धुनाई हो रही है इनकी। गुड्डन के मंडप में दूल्हे राजा की हो रही है पिटाई। आज गुड्डन की बहुएं मिलकर वो काम कर रही हैं, जो काम करते हुए आपने उन्हें पहले कभी नहीं देखा होगा। इस दूल्हे राजा को आज दिन में तारे दिखाएंगी ये सारी बहुएं। चप्पलों से इस दूल्हे राजा का स्वागत होगा। अब ये सभी बहुएं ऐसा क्यों कर रही हैं ये भी सुनते जाइए। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुड्डन एक फेक शादी कर रही थी, दरअसल वो AJ के मुंह से आई लव यू सुनना चाहती है। अब इस आई लव यू के चक्कर में कितना बड़ा बखेड़ा हो गया। नकली दूल्हे राजा ने अपना मन बदल लिया और वो गुड्डन के साथ जबरन शादी करना चाह रहा था। ताकि गुड्डन को लगे कि रो सच में बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता है इसको, तो बल्कि सेलिब्रेट कर रहा है, तो बाद में AJ की जितनी फाइट है वो भी इसी कपड़ों में जाती है। फिर क्या, बहुओं ने चप्पल उठाया और शुरू हो गए। लेकिन ये दूल्हे राजा पूरी तैयारी के साथ आए थे। यहाँ पर बहुओं से बात बनी नहीं तो फिर उसके बाद गुड्डन के AJ की एंट्री होगी एकदम हीरो के माफिक। और फिर देखो हीरो ने वही किया जो करना चाहिए था, अपनी दुल्हनिया को बचाने के लिए उसने सबको धो डाला।
देखो भाई, जब गुड्डन परेशान होती है, फंस जाती है, तो एजे को आना ही होता है। वो मौत के मुंह से भी आता है, क्योंकि जब एजे फंस जाता है, गुड्डन भी मौत के मुंह से आती है। तो हमारा कपल ही ऐसा है, हम दोनों कई बार मरते हैं, लेकिन एक दूसरे को जरूरत होती है तो वापस आ जाते हैं। अब देखिए, ये तो हम पहले से ही जानते थे कि मंडप सजेगा, गुड्डन दुल्हन भी बनेगी, लेकिन शादी का सेहरा तो भाई एजे के सर पे ही बंधेगा। लेकिन क्या करें, सीरियल की कहानी है, ड्रामा जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक आप सबको भी मजा नहीं आएगा। तो भाई बोलिए, कैसी रही गुड्डन की ये फेक शादी? मुंबई से राज दीक्षित और आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जैसे होली का त्योहार आ रहा है और सनन करके खूब रंग बिखरने वाला है। देखिए, आपको एक दूसरे को हाथ नहीं लगाना है, लेकिन दूर से तो रंग आप उड़ा ही सकते हैं। वैसे होली का त्योहार तो सीरियल राधा कृष्ण में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जहां एक तरफ श्री कृष्ण द्वारका की महारानी के साथ होली का ये त्योहार मनाएंगे, तो वही गोलुक की रानी के साथ भी होली खेलेंगे। जब भी आती है तो हमें इंतजार होता है राधा और कृष्ण की होली देखने का। कान्हा राधा से दूर हो गए हैं, क्योंकि उनका ब्याह रुक्मणी के साथ हो गया है। एक ओर रुक्मणी है तो दूसरी ओर राधा, लेकिन कान्हा का मन तो भाई राधा की ओर ही है। वो रूठी हुई राधा को कभी मनाते तो कभी उसके साथ शरारत करते। अब राधा कृष्ण का रिश्ता ही कुछ ऐसा है, उनका रिश्ता सभी रिश्तों से परे है, और ये रिश्ता रुक्मणी भी समझती है, और राधा कृष्ण के इस रिश्ते का वो सम्मान भी करती है। कृष्ण जानते हैं कि राधा के साथ उनका क्या रिश्ता है। वहीं दूसरी ओर वो रुक्मणी को भी समझते हैं, वो उनकी अर्धांगनी है। तो भाई ऐसे में होली खेलना तो उनके साथ भी बनता है ना। पर ये होली तो खूब कलरफुल नजर आती है, लेकिन पर्दे के पीछे इस होली को दिखाने के लिए क्या कुछ किया जाता है, कितने रंगों से खेला जाता है, उस पर भी नजर डाल लीजिए।
उमरगांव से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए जीवन में ना हमेशा उन लोगों की तरफ देखना चाहिए जो आपको इंस्पायर करे। अब ये सेलिब्रिटीज हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अक्सर प्रेरित करने वाली कहानियां आपके और हमारी जैसी महिलाओं के जीवन से ही आती है। तो चलिए अब विमेंस डे का मौका आ रहा है तो आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसी ही महिलाओं से जिनकी कहानी सुनकर वाकई में आपको लगेगा कि जीवन जीना है तो ऐसा जीना चाहिए। ये कहानी है उन महिलाओं की जिन्होंने अपने बल बूते पर समाज में उदाहरण रूप कुछ काम किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुराधा प्रभु देसाई पाठवले की। पुणे में रहने वाली अनुराधा, हमारे सेना के वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ ना हो और उनकी याद लोगों के दिलों में हमेशा ताजा रहे, इसलिए अपनी बैंक की नौकरी छोड़कर काम कर रही हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने लक्ष्य फाउंडेशन की स्थापना की है, जिसके जरिए विविध कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाती हैं और सेना के जवानों का हौसला भी बढ़ाती हैं। मैंने जब द्रास में जाकर तोलोलिंग रॉकिनॉब हाम इंडिया गेट इन शिखरों को देखा, तब मुझे पता चला कि जिन बच्चों ने यहाँ जाके या तो तिरंगा लहरा के आऊँगा या तिरंगे में लिपट कर ये कहकर वहाँ के पॉइंट्स रिकैप्चर किए हैं, दे हैव एंटर्ड द डेथ ट्रैप विदाउट एनी हेजिटेशन। तो मेरे मन में ये आया कि मैं इन बच्चों को ये जो हौतात्म्य है वो भूलने नहीं दूंगी। मैंने वहाँ खड़े रहकर एक ओथ ली थी, क्योंकि पूरा वो इलाका मुझे बता रहा था कारगिल में क्या क्या हुआ, और वो मेरे लिए, मैं अजनबी थी पूरे वो कारगिल के युद्ध के लिए। और एक एक जब कहानियाँ सुनती गई तो मैंने तभी वहाँ एक ओथ ली थी कि मैं इन बच्चों को मरने नहीं दूंगी, मैं उनको अमर रखूंगी और उनके बारे में यहाँ आके, मुंबई में आके, इस समाज में आके उनके बारे में मैं बातें करूंगी और लोगों को बताऊंगी उन्होंने क्या क्या किया है। ये कहानी है प्रवा देवी की। प्रवा देवी एंकोकपम मणिपुर की राजधानी इम्फाल के चिंगमेरोंग में रहती हैं। प्रवा पिछले 40 सालों से कोयला बेचती हैं। कोयले को थोक के भाव में खरीद कर उसके छोटे छोटे थैले बनाकर रिटेल में बेचती हैं। प्रवा देवी कोयला बेचकर अपने परिवार की मदद करती हैं। दिन भर में 10,000 रुपए का कोयला बेचती हैं, जिसमें तकरीबन 1,000 रुपए का मुनाफा हो जाता है। एक कोयले की ये जो पॉलिथीन है, ये कितने रुपए में बिकती है? 100 रुपए में। सकता। ये कोयला कहाँ से लेके आती हैं आप इसको? सजिक तंपाक में, सजिक तंपाक बहुत दूर जिला में, बहुत दूर से लेके आती दूर से लेके आए। सरकार तो नई मदद नहीं है, सरकार तो नई मदद नहीं है, मेरे पैदा 100 रुपया पैदा करता है। मणिपुर के इम्फाल के ओकरम ब्लॉक की सोनीबाला कपड़े की एक छोटी सी दुकान चलाती हैं। तकरीबन 10 साल से दुकान चलाने वाली सोनीबाला के घर में पति राजगीर का काम करते हैं और दो जुड़वा बेटियां हैं। इन्होंने भी सूदखोर से 25,000 का लोन लिया, लेकिन ब्याज ज्यादा देना पड़ता था। फिर बाद में YVU फाइनेंस सर्विस से लोन लिया तो काफी कम ब्याज पर मिला, जिसकी वजह से सोनीबाला ने अपना व्यापार बहुत आगे बढ़ाया। उस टाइम वो जो लोन नहीं मिलने से पहले अपने पॉकेट से, अपने घर परिवार से 20,000-30,000 ऐसे निकाल के बिजनेस शुरू हुआ था। उस टाइम में तो इतना महंगे सामान भी नहीं रख सकता है, इसकी वजह से वो बहुत दिक्कत हुई है। एक छोटी सी इनकम से शुरू शुरू में ऐसे हुआ था। अभी ऐसे शुरू शुरू करके थोड़ी 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 इनकम आई थी और उसके बदले लोन मिली थी, लोन मिलने से भी थोड़ा उसका सुविधा अच्छा हो गई बोल रहे हैं। चांदेल जिले की आलम थांगचिंग गांव में अपने अध्यापक पति और बच्चों के साथ रहती हैं। साल 2016 में नैरकॉम्प ने इनकी रुचि को देखते हुए कैंडी प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग दी। 3 महीने की ट्रेनिंग में आलम ने सिर्फ 1.5 महीने ही ट्रेनिंग की और उसके बाद वापस अपने गांव चली गईं। ललक इतनी थी कि किसी भी तरह से खुद के लिए काम करके अपने परिवार की मदद करना चाहती थी, इसलिए छोटे स्तर पर कैंडी बनाई। जब लोगों ने काफ़ी पसंद किया तो उनके SHG ग्रुप ने 7,000 रुपये लोन लिया और थोड़े बड़े स्तर पर निर्माण किया।
कैंडिस बनाने के लिए पैसा थोड़ा लाइट आई हैव टू बाय सम रॉ मटेरियल सो आई आस्क देम टू गिव 2000 रुपीस सो दे गिव मी एंड आई बाय 10 केजीस ऑफ दिस अमला एंड आई स्टार्टेड माय कैंडिस स्लोली स्लोली कार्यनिष्ठ और अपने बलबूते पर समाज के लिए नारी शक्ति का उत्तम उदाहरण बनने वाली इन महिलाओं को विमेंस डे के अवसर पर हम सब सलाम करते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे अगर आप भी सोच रहे हैं कि होली गेट टुगेदर में जाया जाए या ना जाया जाए, भाई बिना किसी के चेहरे पर रंग लगाए कैसे मजा आएगा, तो एक तरीका है, आप आराम से घर में बैठिए, टीवी खोलिए और जी टीवी के सितारों के साथ रंग मलंग हो जाए। भाई होली है, तेरी भी होली है और मेरी भी होली है, इसीलिए तो इस रंगों वाली होली को हम जोली का त्योहार भी कहा जाता है। प्रज्ञा हो, एक करण प्रीता हो या हो मनमोहिनी, ये सब आज होली के त्योहार में खुद को पानी में पूरी तरह से डुबा लेंगे। हाँ, हम शुरुआत ऐसे करते हैं, पागलपन होता है, अभी होली में और पागलपन होगा। बहुत बहुत ज्यादा मजा आया, आप लोगों को भी आ जाना चाहिए था स्टेज पे, बहुत मजा आया। प्यार ही प्यार है, सेलिब्रेट करने के लिए कोई दिन नहीं चाहिए, बट इट्स होली ऑफ कोर्स, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स, और करण और प्रीता की ये शादी के बाद वाली पहली होली है। प्रोड्यूसर जस्ट टोल्ड अस दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस एंड आवर प्रोड्यूसर जस्ट टोल्ड अस दैट दिस वाज आवर बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट। Together has become a habit now. So, सारे इवेंट्स एक साथ हैं सब कुछ, और शायद पिछले एक डेढ़ साल से we started doing romantic acts. होली के लिए आप सबके पसंदीदा सितारों ने एकदम फुर्सत से समय निकाला है, जहां पर दिन भर वो आपको एंटरटेन करने वाले हैं। बट होली है तो डांस एंड म्यूजिक
एंड वाटर गोज विद होली, तो वही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टू एंटरटेन आर व्यूअर्स। उसके बाद अब आगे बढ़िए, रवि दुबे और एली गोनी से मिलिए जिनका मूड आज खूब भयंकर है। से अभी अभी बाहर निकली यहाँ पर रश्मि देसाई भी हैं, जो सनम के साथ इश्क फरमाते नजर आ रही हैं। एक्चुअली बहुत इंजॉय किया डांस, और व्हेन यू डांसिंग विद अ कोरियोग्राफर प्रोफेशनल डांसर एंड ही नोज एक्सप्रेशन वाइज भी इतना अच्छा वो एक्सप्रेशन देते हैं, सो इट वाज लाइक मुझे पहली बार ऐसा लगा आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एकदम प्रॉपर 100 out of 100 परफॉर्मेंस देने मिल रहा है। दर्शकों के लिए जी टीवी ने ये स्पेशल प्रोग्राम बनाया है सिर्फ होली के लिए, तो भाई इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप अपने पसंदीदा को यूं होली खेलते देख खुश ना हो। है मुंबई से कलीम सलमानी और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।